नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेक। इस कोरोना की घड़ी में भी बिहार में आपराधिक घटना घटित हो रही है और अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते दिन सहरसा में बाहुबली रामानंद यादव जो अपने निवास स्थान पर बैठे हुए थे और घोड़ा पर चढ़कर अपराधी आते हैं, आज दनादन गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। कहा जाता है कि रामानंद यादव उस इलाके के दमंग व्यक्ति थे। आज सीतामढ़ी में पुनौड़ा थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की की, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, लाश लटकी हुई पाई गई, जिसके मांग में सिंदूर भी लगा हुआ था। इस हत्या के पीछे आखिर क्या कारण है, पुलिस तहकीकात कर रही है। मांग में सिंदूर लगा रहना, 14 वर्ष की नाबालिग लड़की और उस लड़की के साथ कहा जाता है कि गैंग रेप किया गया है, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए कि जांच चल रहा है। वहीं दूसरी ओर पालीगंज में रविशंकर को गोली मार दी गई और उसे गोली मारने वाले उसके ही दोस्त नवनीत हैं। कहा जाता है कि रविशंकर के ही मित्र थे नवनीत, जिसने गोली मार दी रविशंकर को। मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर पुत्र की अपहरण कर ली गई, उस वक्त अपहरण करी गई जब वो अपने दरवाजे पर कैरम बोर्ड खेल रहा था। खेलने के दरमियान में उस लड़के की अपहरण कर ली जाती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसकी लाश भी बरामद हो गई। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में एक साथ कई घटना आज सामने आने से पुलिस की नींद उड़ गई। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, जांच कर रही है। लगातार हत्या और आत्महत्या भी कर सकते हैं, जो कटिहार में पिछले दिनों आत्महत्या एक लड़की ने किया, हत्या अपहरण आत्महत्या की वारदात बढ़ चुकी है। अपराधी इस कोरोना जैसे विकट समय के रहते हुए भी अपराध करने से बाज नहीं आते। आखिर क्या पुलिस इस पर अंकुश लगा पाएगी, या पुलिस कोरोना को कंट्रोल करे या अपराधी को कंट्रोल करे, यह बड़ा कठिन मामला सामने निकल कर आया है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।